दिन में दोस्तों के साथ जब बैठते हैं तो अच्छे फूड की तलाश होती है, फिर अच्छी बातें भी होती हैं और फिर दिन अच्छे से निकल जाता है। लेकिन अगर अच्छा फूड ना मिले तो फिर सिर्फ बातों से काम चलाना पड़ता है और दिन यूं ही निकलता है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, करनाल शहर में आ गया है मिस्टर क्रिस्पर, यानी कि आपको यहाँ पर फूड में वेज खाना है या नॉन वेज खाना है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं, आप चाइनीज़ खाना चाहते हैं या आप कुछ भी खाना चाहते हैं, सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा या जो तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ युवा आजकल काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहता है, तो मिस्टर क्रिस्पर यहाँ पर खुल गया है सेक्टर 13 के अंदर। जो मार्केट है सेक्टर 13 की, वहाँ पर नियर सबवे और तमाम लोग यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर एक ख़ास बात ये भी है कि टेक अवे है, यानी कि आप आइए, ऑर्डर दीजिए और अपनी गाड़ी में बैठकर खाइए, अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाइए, आप घर ले जाइए, आपको तमाम तरह की यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो कस्टमर यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, कैसा फूड उनको लग रहा है। पहले तो ये जानना चाहूँगा मिस्टर क्रिस्पर, क्रिस्पर का मतलब क्या होता है आम भाषा में और आपने ऐसा क्यों सोचा कि इसको मिस्टर क्रिस्पर ही रखा जाए? हमारा जो फूड है वो बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये है कि फूड शुड बी क्रंची, जैसे हमारी जो इंडियन और पंजाबी जो हमारी जो मेंटालिटी है फूड को लेके कुछ क्रंची खाना चाहते हैं, तो हमारा जो फूड है वो क्रंची वाली साइड पर मतलब जाए, तो इसलिए उसका नाम हम लोगों ने मिस्टर क्रिस्पर रखा। किस तरीके का स्वाद है, लोग भी आ रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है और करनाल में आया है मिस्टर क्रिस्पर, इससे पहले कहाँ कहाँ आपकी ब्रांच है? हम लोग एक वैरायटी ऑफ फूड सर्व करते हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर आपको वेज में, नॉन वेज में, अगर आप किसी को क्रीमी फूड खाना है, कोई क्रंची फूड खाना चाहता है, कोई स्पाइसी नॉन स्पाइसी, शेक्स हैं हमारे पास, ड्रिंक्स हैं, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए स्पेशल डाइट्स हैं हमारे पास। ये हमारा फोर्थ आउटलेट है, हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी 3 साल पहले यमुनानगर से, उसके बाद हम लोगों ने पंजाब में संगरूर में आउटलेट खोला, बहुत अच्छी सक्सेस मिली, हम लोग दिल्ली में गए मालवीय नगर में, अमेजिंग सक्सेस मिली, दिस इज़ गोइंग टू बी आर फोर्थ आउटलेट यहाँ पर करनाल में। करनाल के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि युवा काफ़ी ज़्यादा जिम की तरफ भी ध्यान दे रहा है और दोस्तों के साथ जब बैठना होता है तो फूड भी उन्हें अच्छा चाहिए होता है, पैसे की फिक्र नहीं करते हैं लेकिन फूड अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि एवरी वन शुड एटलीस्ट कम एंड ट्राई वंस एंड दिल सी कि हम कितने हाइजीनिक हैं और हम कितने अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ फूड को सर्व कर रहे हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम है, जो मतलब जो ऑयल क्वालिटी है या जो फैट क्वालिटी है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है। तो काफ़ी साफ सफाई के साथ यहाँ पर फूड जो है वो बनाया जाता है, उसके बाद सर्व किया जाता है। आप स्पाइसी खाना चाहते हैं, आप नॉन स्पाइसी खाना चाहते हैं, आप क्रंची खाना चाहते हैं, क्रीमी खाना चाहते हैं, आप जिम लवर हैं यानी कि आप जिम जाते हैं और उसके बाद आपको किस तरीके की डाइट लेनी है, किस तरीके का खाना खाना है, वो बातें भी यहाँ पर ध्यान रखी गई हैं। हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है फूड? आपने टेस्ट किया है नहीं किया वो आपको मालूम है, लेकिन आप लेते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसका नाम मिस्टर क्रिस्पर है एंड आई थिंक ये डेफिनेटली अपने नाम पे खड़ा उतरा है। एवरीथिंग इज़ वेरी क्रंची एंड अमेजिंग एंड आई एम अ हेल्थ फैनेटिक, तो मेरा चीट डे और मेरा पूरा वीक यहीं पे गुजरने का पूरा कोशिश होने वाला है बिकॉज द फूड्स अमेजिंग। और कोरोना वायरस की पेंडेमिक में हाइजीन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज इट्स एक्सट्रीमली हाइजीनिक, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डेफिनेटली मेरा ऑल्टरनेट डेज यहीं पे होने वाला है फॉर श्योर। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ कस्टमर और भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी यहाँ पर फूड लेने आए हैं, कैसा माहौल लग रहा है, उनके सर्व करने का तरीका और जो वो सर्व कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बात ऐसी है, जैसे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ ज़्यादातर, बट करनाल में हमें वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो हम दिल्ली चंडीगढ़ में ज़्यादातर खाना प्रेफर करते हैं, बट मिस्टर क्रिस्पर उस पर खरा उतरता है, आपको सेम टेस्ट मिलेगा वही जो आप चंडीगढ़ वगैरह दिल्ली वगैरह में इंजॉय करते हैं। स्पेशली जो मैं चीज़ कहता हूँ वो है फायरी पनीर बर्गर और नॉट ही स्ट्रॉबेरी शेक, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। फायरी पनीर बर्गर इनका इतना क्रिस्पी है, इतना डिलीशियस है, आपको मतलब जब आप टेस्ट करेंगे आपको सही में फील होगा कि इतने एनरिच विद सॉसेस हैं। और आप देखिए कोविड का टाइम है, इनके सैनिटाइजेशन वगैरह की चीज़ें देखिए, एकदम क्लीन फूड डायरेक्टली आपको या तो आपकी कार में या फिर डायरेक्ट यहाँ से टेक अवे पे आपको देंगे। तो सेक्टर 13 के अंदर खुल चुका है मिस्टर क्रिस्पर, आप अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, आपको नॉन वेज खाना है, वेज खाना है, आपको क्रीमी खाना है, आपको स्पाइसी खाना है या आपको नॉन स्पाइसी खाना है। हमारे साथ कुछ और कस्टमर भी मौजूद हैं। मैम, आप भी लेने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, किस तरीके का फूड इनका है?
सबसे पहले जो नाम के अकॉर्डिंग इट्स क्रिस्पर, तो इसको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हाइजीनिक के हिसाब से भी एकदम सही है। और दूसरी बात, इट्स अ ब्रांड, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ का टेस्ट एकदम बेकार होगा। तो टेस्ट के मामले में भी नंबर वन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजीनिक, तो ये बहुत हाइजीनिक है, दैट्स वाई मैं यहाँ का प्रेफर करती हूँ शॉप। और ये करनाल में क्रिस्पर की फर्स्ट ही ब्रांच है, और जब भी हम कहीं बाहर जाते थे तो क्रिस्पर पे जाते थे, बट अभी एक फ़ायदा है दैट हम यहाँ के रेजिडेंट हैं एंड करनाल में ही इसकी ब्रांच है। सो ये मेरा फेवरेट प्लेस रहेगा हैंगआउट्स के लिए नेक्स्ट टाइम से। जो बच्चे बाहर पढ़ने चाहते थे दिल्ली के अंदर, उन्हें पता है और वो वहाँ पर जाकर मिस्टर क्रिस्पर को उसका टेस्ट चखते थे, देखते थे कि वहाँ पर टेस्ट कैसा है, और ऐसे में अब उनके लिए करनाल में भी खुल चुका है, जल्द ही जोमेटो स्विगी पर भी आने वाला है। एब्सोल्युटली, विद इन 15 डेज हम लोग हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होंगे। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे मेन्यू के लिए आप सब देख सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, और जितने भी हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, जितने भी हम लोग आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और जितने भी हमारे प्रमोशनल स्कीम आती है, न्यू प्रोडक्ट आते हैं, हम सबसे पहले सोशल मीडिया पर उनको लॉन्च करते हैं। सबकी कुछ ना कुछ खासियत जरूर होती है कि ये वाला फूड आइटम हमारे यहाँ पर सबसे बेहतर मिलता है और लोग उसको आकर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मिस्टर क्रिस्पर पर ऐसा क्या है जो करनाल के लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें उस टेस्ट में सबसे ज्यादा बेहतर मिलने वाला है? वो हमारी जो स्पेशलिटी है वो हमारे बर्गर्स हैं, जो जहाँ से हमारा नाम उठा, जहाँ से लोगों ने हमें पहचान दी, वो हमारे बर्गर्स हैं। आप आइए और हमारे बर्गर्स ट्राई कीजिए, यू विल फॉरगेट कि मतलब आप आई कैन चैलेंज कि ये आपका फेवरेट बर्गर प्लेस बन जाएगा। हमारा फ्राइड चिकन, इट्स वेरी क्रंची जूसी एंड ओरिजिनल, जो फ्राइड चिकन रेसिपीज है वर्ल्ड की, उनमें से एक हमारे पास है। हमारी जो रिसर्च टीम है, हमारे जो शेफ़ हैं, वो उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो जो फूड क्वालिटी आपको मिलेगी आप उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं उसका। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं मिस्टर क्रिस्पर, और यहाँ पर तमाम लोग आकर जो है सामान फूड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर अपने दोस्तों के साथ खाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ खाना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, क्योंकि संडे का दिन हो या किसी छुट्टी का दिन हो या फिर भी शाम के वक्त जब आप बाज़ार आते हैं तो आप कुछ अच्छा खाना पसंद करते हैं, और वो अच्छा खाना आपको मिस्टर क्रिस्पर पर मिल सकता है। एड्रेस एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सेक्टर 13 की मार्केट नियर सबवे, यहाँ पर आप आएंगे तो आप टेक अवे ले सकते हैं, अच्छा फूड ले सकते हैं। इनकी ब्रांच दिल्ली के अंदर भी है, संगरूर में भी है, बाकी और जगह भी है, और अब करनाल में आए हैं और करनाल के लोग यहां पर इसे पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।